नमस्कार, मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर, यहां पर अगर कोई आपको हैरास करता है, अब्यूज करता है या फिर कोई आपको डिफेम करता है तो आपको करनी पड़ती है कंप्लेंट। लेकिन कंप्लेंट कहां करें? कंप्लेंट करने के लिए ट्विटर का इंडिया में कोई ग्रीवांस ऑफिसर ही नहीं है। ट्विटर को आपके जो भी केसेस है वो एस्केलेट करने पड़ते हैं यूएसए में। वहां से कभी आपको सॉल्यूशन मिलता है या फिर कई बार आपको सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। तो फिर आप वो हादसा भुला के वो इंसान को ब्लॉक करके आगे बढ़ना चाहते हो। तो उसी के चलते इंडिया के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 सामने आए थे। उसमें क्लॉजेस बोले गए थे, जैसे कि इंडिया में ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनको बोला था कि आप ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करो, जहां पे इंडिया के लोग जो है अपने कंप्लेंट रजिस्टर कर पाए। इंडिया में उनका अपना ऑफिस चाहिए था जहां पे लोग अपनी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर कर पाए। लेकिन ट्विटर जो है ऐसे मुद्दों को टालता रहा। ट्विटर को 26 मई 2021 तक का टाइम दिया गया था। ट्विटर ने अलग अलग मुद्दे बनाए। उन्होंने गवर्नमेंट को बोला हम बातचीत से ये मुद्दा सॉल्व करते हैं। तब गवर्नमेंट ने ट्विटर को बोला था आप इधर कायदे मत बनाओ, कायदे बनाना हमारा काम है, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आप एक फॉरेन कंपनी हो जो प्रॉफिट पे चलती हो, आप हमारे कायदों का उल्लंघन ना करें तो बेहतर रहेगा। फिर भी ट्विटर नहीं माना। ट्विटर ने कुछ गलत गलत बातें गवर्नमेंट को बोली है। आइए जानते कि गवर्नमेंट ने ट्विटर को जो आखिरी लेटर लिखा है 5 जून 2021 को, उसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या मुद्दे सामने रखे हैं। तो ये जो लेटर है ये लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5 जून 2021 को। इसको लास्ट नोटिस माना गया है। ये नोटिस अगर ट्विटर नहीं कंप्लाई करता तो ट्विटर को जो भी अधिकार दिए गए हैं वो विड्रॉ किए जाएंगे और ट्विटर को आईटी एक्ट के तहत कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा और पेनल लॉज जो है इंडिया के उसके तहत पेनल्टी भी भरनी पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट ने ये जो लेटर लिखा है इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दा लिखा है कि ट्विटर जो है उन्होंने जो आईटी रूल्स 2021 में बोला गया है चीफ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करने का, उसकी जानकारी ट्विटर ने गवर्नमेंट को नहीं दी है। साथ ही साथ रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की भी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन जो ट्विटर ने नॉमिनेट किया है वो ट्विटर का एम्प्लॉय है ही नहीं। साथ ही साथ ऑफिस एड्रेस जो ट्विटर ने दिया है वो एड्रेस जो है वो एक लॉ फर्म का है जो एज पर रूल्स नहीं है। ट्विटर ने किसी लॉ फर्म का एड्रेस दे के बोल दिया था ये हमारा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन है, ये हमारा ग्रीवेंस ऑफिसर है, ये एक्चुअली ट्विटर के एम्प्लॉयज है ही नहीं है, ये इन्होंने किसी को शायद कॉन्ट्रेक्चुअल काम दिया गया है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। तो ट्विटर ने अपने एम्प्लॉयज यहाँ पे अपॉइंट किए ही नहीं है। यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है कि जो ऑफिस का एड्रेस जो दिया था वो लॉ फर्म का एड्रेस दिया गया था। मतलब ये एक्चुअली ट्विटर ने शायद ये कॉन्ट्रेक्चुअल काम दिया है, आउटसोर्स किया है काम का किसी लॉ फर्म को, ऐसा नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि सोशल मीडिया इंटरमीडिएट जो है उनके लिए रूल्स दिए गए हैं और ये 26 मई 2021 से अप्लाई भी हो गए हैं। एक हफ्ता से ज्यादा हो गया है ट्विटर जो है उन्होंने हमारे रूल्स कंप्लाई करने के लिए मना कर दिया है, ऐसा नजर आ रहा है। हमें और ज्यादा बोलने की जरूरत भी नहीं है। ये जो नॉन कंप्लायंस जो है ये अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस है। ट्विटर जो है उसको एग्जेम्पशन जो दिया गया है, जो भी लाइब्रेरी इंटरमीडिएट की आती है उसमें एग्जेम्पशन दिया गया है, वो अब निकाला जाएगा। और ट्विटर जो है उन्होंने रिफ्यूजल किया है हमारे जो रूल्स है उसको फॉलो करने के लिए। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम ऐसी पहली कंट्री है जो बाहर के देश के कंपनी को यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं, और ट्विटर जो है वो प्लेटफॉर्म हम अडॉप्ट कर चुके हैं, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है वो। लेकिन ट्विटर जो है हमारे देश में लगभग 10 साल से ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन ट्विटर जो है यह हमारे कायदे जो है उसको फॉलो करने के लिए मना कर रहा है, उनसे भाग रहा है, देश में मैकेनिज्म क्रिएट नहीं करना चाह रहा। जो ऐसे मैकेनिज्म देश के लोगों को चाहिए जो लोगों को मदद करे, उनके जो भी इश्यूज आते हैं ये प्लेटफॉर्म पे उसको सही समय पे कंप्लाई करे और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंटली हमारे जो भी कंप्लेंट्स है उसको सुलह करे। लेकिन ट्विटर जो है वो कर नहीं रहा है। ट्विटर ऐसे कोई भी मैकेनिज्म नहीं बना रहा है और ये कायदे से बने हुए मैकेनिज्म से। इंडिया के जो लोग हैं जो ट्विटर प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि फेयर मैकेनिज्म हो
जहाँ पे उनके जो ग्रीवांस से जो भी तकरार है उनके उसको एड्रेस किया जाए और उसको रिजॉल्व किया जाए, जो भी डिस्प्यूट सामने आते हैं, यूजर्स जो अब्यूज होते हैं प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ जो हैरेस होते हैं या फिर जिनके साथ डिफेमेशन होता है, जिनके साथ सेक्सुअली अब्यूज होता है, जो विक्टिम बन जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब्यूजिव कंटेंट फैलाते हैं, तो उसके लिए रिड्रेसल मैकेनिज्म की ज़रूरत है जो इंडिया के पीपल लोग जो है वो डिजर्व करते हैं, और ये कायदे के प्रोसेस के थ्रू ये किया जाना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। तो ट्विटर को ऐसा बोला गया है कि ये आखिरी नोटिस है, या आखिरी नोटिस अगर आपने कंप्लाई नहीं करी तो आपको जो भी एग्जेम्पशन दिए गए हैं लाइब्रेरी जो आ रही है उसमें वो आपके निकाले जाएंगे। तो गवर्नमेंट ट्विटर के खिलाफ सख्त रुख अपनाती हुई नजर आ रही है। हो सकता है इंडिया में कुछ समय के लिए ट्विटर बैन भी हो जाए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आप भी चाहते हैं आपको प्रोटेक्शन मिले? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।